स्टेबिलिटी वगैरह चेक कर रहा हूँ कि कैसा लग रहा है चलाने में। ओ भाई साहब 100। तो ये देखो गाइज मेरे पास आज कौन सी गाड़ी है, किया का सेल्टॉस HTX मॉडल, जो कि आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कलर ऑलिव ग्रीन है। तो चलो गाड़ी में डायरेक्ट बैठते हैं और गाड़ी में चल के बात करते हैं, ज्यादा मजा आएगा और आपको अच्छे से रुक के बताऊंगा गाड़ी के बारे में। चलिए ये रहा HTX मॉडल में अपन बैठ चुके हैं। ये पहले सीट एडजस्ट कर लेते हैं और हमारे साथ है मयंक भाई। मयंक भाई फेमस है, जान ही रहे हो आप। क्या मयंक, तो गाड़ी को भाई मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से देखो इसका MID डिस्प्ले, जैसे कि आपको पता है पूरा चेंज हो चुका है। तो इसको देखो मैं ऑन करता हूँ। तो ऑन करने के बाद और स्टार्ट करने के बाद देखो कुछ ऐसा डिज़ाइन आता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप से लग रहा है। तो चलो अब गाड़ी को चला के देखते हैं कि चलाने में कैसा लग रहा है। स्मूथ तो है यार, मतलब पहले से तो थोड़ा सा, हाँ पहले से थोड़ा सा स्मूथ तो लग रहा है, ये देख सकते हो। मेरे पास भी आपको पता ही HTX मॉडल है और ये भी HTX मॉडल में चला रहा हूँ, तो डिफरेंस फील हल्का आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज कर दिया भाई, पहले वाले HTX ओनर निराश हो जाएंगे इससे। अरे चचा क्या कर रहा है, ये देखो भाई मजा आ रहा है भाई। मयंक मजा आ रहा है गाने में। तो गाइज अभी गाड़ी चला रहा हूँ तो काफी मजा आ रहा है HTX मॉडल, और बाकी फीचर्स वगैरह तो काफी कुछ चेंज हुआ है, मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा रुक के गाड़ी में, क्योंकि ऐसे ही चलते वक्त बताने में सही नहीं। अभी तो मैं स्टेबिलिटी वगैरह चेक कर रहा हूँ कि कैसा लग रहा है चलाने में। बाकी एक बार देखो मैं थोड़ा सा कट मारता हूँ। पावर है 115 BHP या 116? डीजल में 116 है। अच्छा पेट्रोल में 115 ही BHP है। इंजन में मतलब कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, वैसा नहीं। पेट्रोल वाले में 1.5 लीटर है। अभी अपन चलते हैं राइट साइड, और ये रही थार। टर्निंग रेडियस भी सही है, वो सब तो वही वाला है क्या। अच्छा इस पे वो दे दिया ना डायरेक्ट में, वो क्या बोलते हैं इसको, स्पीडोमीटर डायरेक्ट में दिया हुआ है ना। जो डिजाइन देखो ये सब पूरा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें अट्रैक्टिव लग रहा है। ये सब चलाने में भी अलग फील आ रहा है, लग ही नहीं रहा क्योंकि मैं तो बहुत दिन के बाद ऐसा मतलब चला रहा हूँ डिफरेंट गाड़ी, तो थोड़ा सा लग रहा है अट्रैक्टिव और चेंजिंग हल्का सा। ये देख सकते हो आप स्पीड। ओ भाई साहब 100 पहुंच गया। डर लग रहा है क्या मयंक? स्टेबल है यार गाड़ी, स्टेबल है भाई, डर के आगे जीत है। चाय पिएगा क्या मैं? तो ये देखो गाइज इसका इंडिकेटर कितना ज्यादा अट्रैक्टिंग, इसका रनिंग है, इसका इंडिकेटर तो काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और कॉस्मेटिक चेंजेस किया गया, पहले भी मैंने जो कि वीडियो बनाया था उसमें भी बताया है। और ये HTX मॉडल है, पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर। बाकी कलर ऑलिव ग्रीन है, मैंने बता दिया था। रियर में जो चेंजिंग है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये है बैक का, ये देख सकते हो। मेन तो यही सब चेंजिंग है, ये सब मैंने पहले भी बताया गाड़ी में। और HTX मॉडल में क्या क्या चेंज है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पहला इसमें आ गया है फ्रंट पार्किंग सेंसर, ये देख सकते हो, ठीक है। बाकी बाहर से सब कुछ वैसे ही है। अलॉय व्हील भी थोड़ा सा डिजाइन में चेंज किया गया, ये देख सकते हो आप। ये बाकी अंदर में मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर में सबसे पहला देखो आपको सीट कवर में चेंजिंग मिलता है, ये डिजाइनिंग चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह पूरा चेंज है MID वाला। और AC इसमें दे दिया गया है डुअल जोन में, ये देख सकते हो आप, एक जोन के लिए इधर है, एक जोन के लिए इधर है, ठीक है। तो मेन चेंजिंग जो इसमें है, ये देखो भाई, पैनोरामिक सनरूफ, जो कि कितना अट्रैक्टिव है। बहुत दिन से किया के ऑनर्स जो हैं वो भी चाहते थे कि पैनोरामिक सनरूफ आ जाए इसमें, और मैं भी चाहता था यार कि आ जाए,
और आ गया फाइनली, ये देख सकते हो आप, ये बॉय मस्त लग रहा है भाई। बाकी इधर में सब कुछ वही है, SOS किया कनेक्ट हो गया है, और बाकी रियर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ बैठ के। स्पेस वगैरह में कोई कमी नहीं किया गया है, सब कुछ वैसे ही है। पीछे का देखो कॉस्मेटिक डिजाइन्स चेंज किया गया है, यहाँ पे सी टाइप दे दिया गया चार्जर। बाकी ये देखो रियर से आपका, पीछे से ये सनरूफ खुल जाएगा तो कितना मस्त लगेगा। एक बार मैं खोलना तो सनरूफ सिर्फ ये वाला, ये देखो भाई। अब यहाँ से बैठे बैठे नजारा लेते रहो छत का, ये देख सकते हो। तो ये देखो इसका जो फॉग लैम्प, पहले 3 ice cube आता था, अब 4 ice cube हो गया, मतलब 1 ice cube बढ़ा दिया गया है। और ये सब में भी थोड़ा चेंजिंग किया गया, पियानो ब्लैक कर दिया गया है। बाकी लाइट वगैरह में देखो ये हल्का हल्का चेंजिंग सब में किया गया है, क्योंकि अब फेसलिफ्ट है भाई, तो थोड़ा सा चेंज देना पड़ेगा। चेंज नहीं होगा तो फिर समझ में कैसे आएगा कि फेसलिफ्ट है कि Altos का। तो चलो गाड़ी को थोड़ा सा और चला के देखते हैं, चलाएंगे तभी ज़्यादा पता चलेगा कि गाड़ी चलाने में कैसा है। किया Altos फेसलिफ्ट 1.5 liter 115 bhp 144 Nm का टॉर्क है इस पे। वो, वो, वो। ऑफरोडिंग करवा रहा है क्या मैंक? सस्पेंशन भी ठीक किया, सस्पेंशन सही किया है ना पहले, स्टिफ नहीं। ग्राउंड क्लीयरेंस भी 190 mm होगा, 190 ये सब में चेंजिंग नहीं किया गया क्या? थोड़ा सा लेंथ में है, लेंथ में थोड़ा सा जो ओवरहैंग है ना पीछे का, हाँ वो थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा बाकी बारिश का दिन है इसीलिए पूरा देखो पानी भरा हुआ इधर। बाकी गाड़ी चला के देख लियो, यही इन्फॉर्मेशन देना था STX के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड कमेंट, और लास्टली सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्या मैंक? तो गाड़ी चलो एक बार फिर से भगा के देखते हैं। ये देखो भाग जा भाई, भाग क्यों नहीं रहा? गियर थोड़ा ज्यादा में था इसीलिए। ओहो नहीं भाग पाएगा यार, क्या बोल रहा है? ये नेविगेशन में एक सेटिंग है अलर्ट का, तो जहाँ जहाँ क्रॉसिंग वगैरह होगा ना स्कूलों का, हाँ वहाँ बता देगा। तो अभी क्या क्रॉसिंग कर रहा था? अच्छा तो गाइज ये चीज भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि कुछ भी क्रॉसिंग रहेगा, स्कूल क्रॉसिंग या चाइल्ड क्रॉसिंग, मैप में आएगा तो वो बोलते जाएगा आपको। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज निकाल दिया किया ने। ऑफ भी कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। बाकी अपन पहुंचने वाले हैं अब शोरूम, तो इतना ही था वीडियो में, ज्यादा लंबा नहीं खींचा हम लोगों ने। जो जो चेंज हुआ STX के बारे में बस मैंने उतना ही बता दिया, उससे ज्यादा नहीं बताया। बाकी थोड़ा बहुत चला के एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया कि पहले से थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है गाड़ी। फिर से चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड आ गया यार।